9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को नीट यूजी पेपर लीक और इसके सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और एनटीए को 2 हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून देर रात G7 समिट के लिए इटली पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली सीएम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान उनकी पत्नी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहे। इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागशस्त्र 1 की पहली खेप मिल चुकी है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। रतलाम के जावरा के जागनाथ मंदिर परिसर में गोवंश का कटा सिर मिला है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके घर पर बुलडोजर भी चला दिया है। मध्य प्रदेश में 17 या 18 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी है। इसके अलावा ग्वालियर दतिया समेत 9 जिलों में गर्मी का असर भी देखने को मिल सकता है। सतना वन मंडल के मझगवा रेंज में बांध के दलदल में फंसे मिले बाघ के शावक की मौत हो गई है। उसने मझगवा रेंज ऑफिस में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खरगोन में भीकनगांव नगर परिषद के सहायक राजस्व अधिकारी और कचरा वाहन हेल्पर के बीच जमकर मारपीट हुई। शिकायत करने के बाद महिलाओं ने सहायक राजस्व अधिकारी की थाने में पिटाई कर दी। उज्जैन पुलिस ने एक सटोरी के घर में छापा मारकर 15 करोड़ रुपए जब्त किए। इसमें 500-500 के नोटों की 3000 गड्डियां हैं। इसके अलावा 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी जब्त की है। आज की खबरों में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।